हेलो दोस्तों, तो हमने जनरल एप्टीट्यूड के भी डिविजिबिलिटी पढ़ लिया था। डिविजिबिलिटी के बाद अभी जो है टॉपिक है इजी ट्रिक, इजी मल्टीप्लिकेशन। क्या इजी मल्टीप्लाई? आपको मल्टीप्लाई करना है और इजी ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर आपको कोई मल्टीप्लाई करना है और आपको स्पीड से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है विदाउट कैलकुलेटर, तो आपको कुछ मेथड आप जान लीजिए, ट्रिक जान लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे मल्टीप्लाई के कुछ रूल होते हैं, मान लीजिए पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्रिक है जिसका नाम है लास्ट डिजिट में कैसा होना चाहिए, आपके इस तरह के एलिमेंट दिखने चाहिए, ठीक है। जैसे 22 और 27 का मेरे को मल्टीप्लाई करना है, 28 का क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आपको अब कैलकुलेट, अगर आप वैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे आप छोटी क्लास से पढ़ते आए थे कि मल्टीप्लाई करना है 8 का फिर 2 का फिर ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इनको इजी तरीका क्या होगा, इनका आप इनको डायरेक्ट इनका इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ मैं, इनको इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 8 2 16 और उनको एज इट इज लिख देना है। एक और प्रोसेस है इसमें, यहाँ पर आपको 2 के बदले 3 करना है, यानी कि यहाँ पर जो 2 दिख रहे दोनों सेम है, तो दोनों सेम होने की वजह से इसमें 3 कर दोगे, एक जोड़ दोगे, इस संख्या में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 2 इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6। अब ये कौन सा लॉजिक हो रहा है, तो ये लॉजिक देखिए, जैसे 25 × 25 करना है, तो हमको क्या करना है, इधर वाले को इधर लिख दीजिए, 5 5 25, इसमें एक बढ़ाना है और 3 2 6 करना है, 625 हो जाते हैं। तो ये जो लॉजिक है ये यूज़ क्यों हो रहा है, हर सभी नंबर के लिए यूज़ नहीं होगा, ध्यान दे दीजिए, तभी यूज़ होगा जब इस तरह से नंबरों को, चलो यही दे देता हूँ, 36 × 34। ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूँ इसके लॉजिक क्या हैं। तो लास्ट डिजिट जो होंगे ना, ये यूनिट प्लेस बोलते हैं इनको, इकाई संख्या पे जो संख्या होगी उनको ऐड करने पे आपको 10 होने चाहिए। तो 10 6 + 4 10, 5 + 5 10, तो ऐड करने पे आपको यहाँ पर 10 गिवन होना चाहिए, मिलना चाहिए। और 3 और 3 यहाँ जो टेंस प्लेस वाले होते हैं, यानी कि दहाई संख्या वाला हमेशा सेम होना चाहिए, बात समझ आ रही है। इधर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और यहाँ वाले को ऐड करने पे आपको 10 मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है तो तभी ये अप्लाई कर सो। क्या करना है, 6 × 4 करना है, यहाँ लिख देना है, और 3 में 1 बढ़ाना है वो 4 हो जाएगा, और 4 3 12 लिख देना है। दिस इज वेरी इजी ट्रिक, और ये ट्रिक की हेल्प से आप किसी एग्ज़ाम में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये इजीली समझ में आते चले जाएंगे। बात समझ आई वाला ट्रिक क्या है इसमें, कोई नंबर अब देखे, अगर कोई बोले 93 × 97 करना, तो अगर आप ये ट्रिक नहीं जानते तो आपको क्या लगेगा, अरे तो बहुत काफ़ी लार्ज नंबर दिख रहा है, इसको कैलकुलेट करने में कर तो लेंगे, फिलहाल अब टाइम लगा देंगे, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको टाइम तो नहीं मिलेगा इतना कि आराम से कैलकुलेट करें, हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हमको दिख रहा है 7 3 और 10 होते हैं, यानी लास्ट यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड करने पे 10 हो जा रहा है, और टेंस प्लेस वाला जो नंबर है वो सेम है, तो हमको क्या है वही लॉजिक लगा देना, इनका इनका मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और इनमें एक बढ़ाना है 90 लिख देना है। दिस इज एकदम ईजी, देखिए कितना चुटकियों में ऐसा, मतलब आप देखे नंबर फट से आंसर बता देंगे। तो ये जो लॉजिक है कितना इजी है, देखें और भी मान लो, ये जरूरी नहीं कि 2 डिजिट के लिए ही, ये आप 10 डिजिट के लिए मान लीजिए कर दीजिए, 103 और चलो 10 नंबर क्या दूँ, 103 और 10 सुन लीजिए। अब देखिए, अब इनको कोई बोले कैलकुलेट करिए, तो अब फिर से वही, अगर आप ऐसे करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग करना है, तो हमको क्या करना है, देखना है यूनिट प्लेस क्या हो रहे हैं ऐड करने पे, 7 और 3 10 होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो 10 और 10 दोनों क्या है सेम है, यानी कि एक सेम दिख रहा है, तो जब सेम दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इनका इनका मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। ओके क्लियर, लेफ्ट हैंड का समझ आया, क्या करना है इनका और इनका, ये यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देना है आपको, और ये जो 10 नंबर है इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, वो आपको मिलेगा 11, और 11 × 10 कर लीजिए और वो आ जाएगा 110। दिस इज एंसर, क्लियर।
तो ये जो एक लॉजिक है, ये भी इस लॉजिक से आपको कैलकुलेट करना है इजी ट्रिक से, ठीक है। अब हर बार तो वैसा नहीं होगा कि उधर को जोड़ने पे 10 हो जाए। मान लीजिए कोई डिफरेंट नंबर दे दिया जाए, कितने, कोई भी डिफरेंट नंबर। अब वो डिफरेंट नंबर जैसे हैं, मान लीजिए 23 × 26 दे दिया। अब देखिए इनका आपको मल्टीप्लाई पूछ रहा है, यहाँ पर 26 से 36 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये डिफरेंट नंबर है ना, तो इनमें ऐड करने पे 10 आ रहा है ना, इधर सेम है, तो ऐसी भी स्थिति को भी शॉर्टकट कैसे हल करेंगे। तो ये जो लॉजिक है ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप इनको इस पोजिशन पर लिखिएगा, ऐसे मत लिखिए 23 × 36, इस पोजिशन पर मत लिखिए। इनको कैसे लिखना है आपको, ऐसे पोजिशन पर लिखना है। ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको ईजी सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको, लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले नंबर को आपको ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 3 का कितना होगा, 18 का 8 आ जाएगा और कैरी में 1 आ गया हमारा। ध्यान दीजिए 6 × 3 = 18 का अगर कैरी नहीं आता तो मैं वही लिख देता, कैरी आ गया तो इसे आप लख लीजिए कहीं पर, ठीक है। सेकेंड नंबर ये लास्ट का नंबर था, बीच के नंबर क्या होंगे, तो बीच के नंबर को आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने बचपन में पढ़ा था, तो इनको आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, यानी कि इधर वाले नंबर को इधर से, इधर वाले नंबर को इधर से, और बीच में आपको ऐड कर देना है। बात समझ आ रही है, तो लास्ट फिर से बता रहा हूँ, लास्ट वाले को डायरेक्ट ऐसे सीधा सीधा नंबर का मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले में क्या करना है, इनका इनसे, इनका इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो 6 × 2 = 12 और 3 × 3 = 9, ठीक है, 3 × 3 = 9, 6 × 2 = 12, और हमारा एक पहले से कैरी था, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 9 और 1 = 10, 10 + 10 = 20, 20 + 2 = 22, 22 + 2 = 22, ठीक है, 22 की 2। अब मेरा कैरी क्या आ चुका, कैरी 2 आ चुका। अब ये जो कैरी 2 है, अब लास्ट एक और पोजीशन बचा है, अब बच गया लास्ट वाले को फिर से वापस इनको कर दीजिए, ऊपर और नीचे का गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 × 6 और मेरा कैरी था 6 × 2 = 8, ये आपका आंसर हो गया। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इन्हें आपको फुल प्रैक्टिस कर लेना है। और ये जो नंबर है कहाँ से कहाँ तक के नंबर के लिए है, तो ये आपको 11 से लेके 2 डिजिट से लेके, यानी कि 10 से लेके पूरे 99 तक का यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ये आपको 10 से लेके 99 तक का नंबर का आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल से आपको दिखाया जाए ताकि समझ में आए। बस ये लॉजिक याद रख लीजिए, पहले पोजीशन पे ऐसे करना है, फिर एस त्रिक क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर पोजीशन। ये ट्रिक लगाएंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए, 9 × 3 × 21 ले लिया मान लीजिए, और देखिए यहाँ पर ना ऐड करने पर 10 हो रहा है ना इधर का सेम है, ऐसी स्थिति में वही आपको ऐसे लिखने हैं इस पोजीशन पे, उसके बाद ये वाला लॉजिक लगा है, इनका इनके मल्टीप्लाई, फिर इसका और इसका करना है, तो 9 × 9 और 3 × 2 = 6, 9 और 6 = 15, 15 × 5 हासिल 1 आ गया, और 9 × 2 = 18 ऐसा करना है, 9 × 2 = 18 और 1 = 19, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। और एक आंक लेना है तो आप ले लीजिए, 32 × 36, क्या करना है, 6 × 12 = 2 हासिल 1, 6 × 3 = 18 और 3 × 2 = 6 = 18 + 6 + 1, तो कितना हो जाएगा, 18 + 6 + 1 = 15 हो गया, सॉरी 25, 8 × 6 = 14 और 15 × 5 और फिर 25, तो 25 × 5 कैरी मेरा कितना आ गया, 2 और फिर 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 10, 11, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर 3 डिजिट के लिए, अगर यही 3 डिजिट के लिए हो जाए, ठीक है, कितने डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए, 2 डिजिट्स के लिए वो ट्रिक था, 2 डिजिट्स के लिए क्या है, तो अगर 2 डिजिट्स के लिए बात करेंगे तो आपको ये ट्रिक याद करने हैं, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई और ऐड, ये ट्रिक याद कर लीजिए, इकाई पे बीच में और ये 3 डिजिट, मतलब 2 2 डिजिट्स के अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला करना है। अब 3 डिजिट का करना, मान लीजिए 2 3 1 1 2 4 5 कुछ भी देंगे, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस पोजीशन पे ही लिखना है फर्स्ट, सेकंड इनका मल्टीप्लाई लास्ट से करिए, ठीक है, ये ट्रिक सिखा रहा हूँ, यही वाला आपको करना है, ऊपर और नीचे का 5 + 5, फिर इनको भूल जाइए, अभी अभी यहाँ से किए थे
देखिए इनको भूल जाइए, अभी सिर्फ एक का किए थे, अब फिर एक और आया, दो बन गया। अब इनको कैसे करना है, तो पाँच से पंद्रह और दो, दो एकम दो, पंद्रह और दो सत्रह का साथ कैरी वन आ चुका मेरा। उसके बाद लास्ट इधर आइए, मतलब हमने क्या किया बीच में, ऐसा किया, ठीक है। अब थर्ड पे यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो फर्स्ट और लास्ट का करना है, यानी कि इनका करना है आपको, पहला और थर्ड का इनका इनका करना है, और ऐसे भी करना है आपको, ठीक है। वन मेरा कैरी अभी फिलहाल के लिए, तो क्या करना है, दो पाँच दूनी दस, एक एकम वन, और तीन दूनी छः। तो वीडियो कट गया था थोड़ा सा, इसे फिर से बता देता हूँ। तो थ्री तीन डिजिट वाले को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, तीन डिजिट वाले को कैलकुलेट कर रहे थे, एक बार और अच्छे से देख लीजिए, तीन डिजिट वाला क्या है, तीन डिजिट के लिए फर्स्ट में लास्ट पोजीशन को ऐसे ऊपर नीचे करने हैं आपको, 5 × 1 तो 5 × 1 = 5। फिर मतलब आपको इधर से देखिए, पहले एक डिजिट्स को करना है, फिर दो डिजिट्स का कलेक्शन, फिर तीनों डिजिट्स का कलेक्शन, फिर इधर से एक छोड़ना है, फिर इधर से दोनों गैप करना है, फिर ये बात समझ आ रही है। मतलब पहले एक डिजिट्स का सॉल्व करना है, फिर ये हटाया तीन, दो इनको सॉल्व करना है, फिर इनको हल करने हैं, उसके बाद इधर से एक मूव हटाओगे तो आप इनको कैलकुलेट करेंगे, फिर इधर से दो गैप करेंगे तो ये आपका बचेगा टोटल। यानी कि और इनमें जो ट्रिक लगेगा, फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे करना है, ठीक है, सेकंड में दो डिजिट्स करना है, दो डिजिट मतलब ऊपर और नीचे करना है आपको, तो ऊपर नीचे मैंने सिखाया, पाँच दिए पंद्रह और दो एकम दो, पंद्रह और दो सत्रह, सत्रह का साथ हासिल कैरी वन आ गया। उसके बाद तीनों डिजिट का यूज करना है, तीनों डिजिट का यूज़ कैसे करना है, पहला और अंतिम, इसका इसका और इसका इसका, ये तीन डिजिट का यूज़ करना है, लेकिन 5 × 2 = 1 = 1 = 3 = 2 करना है। तो पाँच दूनी दस एक और तीन दूनी छः, तो छः और दस सोलह, तीन दूनी छः और पाँच दूनी दस और एक, तो हाँ पाँच दूनी दस हो गया और ये छः कितना, सोलह, सोलह और एक सत्रह और एक कैरी एक अठारह, अठारह का आठ और कैरी वन। उसके बाद क्या होगा आपका, इनको गैप कीजिए, अब दो डिजिट को कैलकुलेट करना है, दो डिजिट के लिए ये वाला यूज सिंबल होगा, ये ठीक है। इनको गैप करते थे ना, 2 × 2 = 4, 3 दो दूनी चार और दो तीन, चार तीन सात, सात और एक कैरी आठ, और लास्ट में इनको भी गैप करना है, और ये लास्ट पोजिशन ये वाला करना है ऊपर नीचे, तो कितना आएगा, दो एक कम दो, ये था आपका तीन डिजिट्स के लिए, ठीक है।